Hello everyone, today's topic is Anaximander, concept of Apron. Anaximander was a pre-Socratic Greek philosopher who lived in Miletus. He belonged to Miletian school and learned the teaching of his master Thales. As I discussed in the previous video, Thales of Miletus, उसमें भी मैंने बताया था कि Thales जो माइलेशियन स्कूल के फाउंडर या इस्टेब्लिशर कहे जाते थे उनके दो फॉलोवर थे एनैक्सिमेंडर एंड एनैक्सिमिनीज. ही वॉज द फर्स्ट हु राइट अ ट्रीटाइज इन प्रोज विच हैज़ बीन कॉल्ड ट्रेडिशनली ऑन नेचर. दिस बुक हैज़ बीन लॉस्ट. ऐसा कहा जाता है कि एनैक्सिमेंडर वो पहले इंसान थे जिन्होंने कुछ लिखा, जिसके लिखने के काम के लिए उन्हें जाना गया. According to some, this book probably was available in the library of Alesium at the time of Aristotle and his successor Theophrastus. ऐसा कहा जाता है कि ये book probably यानी क्योंकि एक certainty नहीं है कि वहाँ पर available थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो Alesium की library में available थी. Anaximander's work known through a single sentence and references in later writers' work. तो जैसे कि हमें थेल्स के बारे में भी ज़्यादातर उन राइटर्स से पता चला जिन्होंने उन्हें कोट किया, तो इसी तरह से एनैक्सिमेंडर के बारे में भी हमें कुछ वैसे ही पता चलता है. अचीवमेंट्स एज यूजुअल, थेल्स की भी बहुत सारी अचीवमेंट थी, एनैक्सिमेंडर की भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट को ही लिखा है. He created a map of the world that contribute to the advancement of geography. In astronomy, he attempted to describe the mechanics of celestial bodies in relation to the earth. कि इन्होंने ये सबसे important achievement था इन्होंने कि इन्होंने world का map बनाया, हालांकि कहा जाता है कि वो lost हो गया था, खो गया था. एस्ट्रोनॉमी में भी इनको काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है. ही एक्सप्लेन सम बेसिक नोशन ऑफ ज्योमेट्री एंड इंट्रोड्यूस द सन डायल नोमोन टू ग्रीस. यहाँ पे जी साइलेंट है. द इंटायर ऑब्जेक्ट दैट, अब ये क्या है, देखिए नोमोन क्या होता है, सो वो मैंने अगली लाइन में समझाया है. द एंटायर ऑब्जेक्ट दैट कास्ट अ शेडो और लाइट ऑन टू द डायल फेस इज नोन एज सन डायल्स नोमोन. ही एक्सप्लेन रेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी पम्प्ड अप फ्रॉम अर्थ बाय द सन. ही एक्सप्लेन थंडर एंड लाइटनिंग टू द इंटरवेंशन ऑफ एलिमेंट्स रादर देन टू डिवाइन कॉज. वो मानते हैं कि ये जो गड़गड़ाहट होती है या जो बिजली कड़कती है वो कोई दैवीय शक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि जब एलिमेंट के इंटरवेंशंस होते हैं उसकी वजह से हो जाता है. एनैक्सिमेंडर वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर हु टू कंसीडर द सन एज अ ह्यूज मास एंड द फर्स्ट टू प्रेजेंट अ सिस्टम वेयर द सेल्सियस बॉडीज टर्न्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस. ही मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, ज्योमेट्री, मेट्रोलॉजी एंड ज्योग्राफी एज वेल एज मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे पहले उनके टाइम में मेटाफिजिक्स टर्म भी कॉइन नहीं हुई थी, ये टर्म भी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मेटाफिजिक्स के लिए काम किया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in Anaximander's philosophy, concept of Apron. Anaximander proposed that the arc is the substance known as Apron, which may be translated either limitless, boundless, indefinite, rather than from a particular element such as water as Thales had held. जैसा कि Thales वाली वीडियो में आपने देखा होगा और आपने पढ़ा होगा कि थेल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थेल्स, वाटर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द यूनिवर्स और द प्राइमरी एलिमेंट सबस्ट्रेटम ऑफ द वर्ल्ड. एवरीथिंग इज मेड बाय वाटर. उसी तरह अब एनैक्सिमेंडर भी यूनिवर्स
क्रिएशन को, ओरिजिन को समझाते हैं, और उसके लिए वो किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? इनफाइनाइट और एपिरॉन। द एपिरॉन वॉज अ कॉस्मिक फोर्स ब्रिंगिंग टुगेदर एंड डिस्पोसिंग मैटर, बट इट्स प्रोसाइज फॉर्म इज अनक्लियर। हालांकि देखिए, वाटर में क्या था, वाटर आप देख सकते थे, आप उसकी हर फॉर्म को देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, बट यहाँ जो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, एपरॉन की बात कर रहे हैं, विच इज़ लिमिटलेस, बाउंडलेस, वो परसीवेबल नहीं है। दिस इज़ नॉट द कंट्रोल ऑफ द सेंस कि आप क्या करो, आप उसको सेंसेस के थ्रू कंट्रोल कर सको या परसीव कर सको, या आप उसे छू सको या देख सको या उसके बारे में सुन सको, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो द प्रिसाइज फॉर्म इज अनक्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपिरॉन। अकॉर्डिंग टू एन एग्जामिनर, एयर, वाटर एंड फायर आर स्पेशल सब्सटेंस, बट दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। वो कहते हैं कि ये सब हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, बट ये यूनिवर्स की क्रिएशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। नन ऑफ द ऑब्जर्वेबल एलिमेंट कुड बी द फर्स्ट कॉज बिकॉज ऑल ऑब्जर्वेबल एलिमेंट आर चेंजेबल। कभी कभी आपकी टंग जो है वो बार बार स्लिप करती है एक ही वर्ड में। सो द पॉइंट इज कि जितने भी ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले एलिमेंट होते हैं, तो एनेक्जीमेंडर का कहना है कि वो चेंजेबल होते हैं, वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते हैं, जैसे एयर, वाटर, फायर। तो इसलिए इस तरह से ये जो चेंजेबल एलिमेंट हैं, इनको हम फर्स्ट कॉज नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज होते जा रहे हैं। अगर हमें फर्स्ट कॉज मानना है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट एंटिटी विच इज़ परमानेंट, विच इज़ नॉट चेंजेबल, विच इज़ नॉट टेम्प्रेरी। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं, हम इन्हें, वाटर को या दूसरे एलिमेंट को, फर्स्ट कॉज नहीं मान सकते। एनैक्सिमेंडर कंसीडर्स द सुप्रीम एलिमेंट एज अ कॉन्स्टेंट, इटर्नल एंड यूनिवर्सल। इट इज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये क्योंकि एप्रॉन इनफाइनाइट है, इसलिए वो ना किसी स्पेस में लिमिट होता है, ना वो किसी टाइम में बंधता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम दीज बाउंड्रीज। इट इज़ आर्ग्यू दैट बाउंडलेस हैज़ नो ऑरिजिन। बाउंडलेस मतलब इनफाइनाइट, हैज़ नो ऑरिजिन बिकॉज इट इज़ इट्स सेल्फ द ऑरिजिन। इट इज़ बोथ अनबॉर्न एंड इमॉर्टल। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है या पैदा होती है, तो डेफिनेटली वो एक दिन उसकी डेथ भी होती है या वो डिस्ट्रॉय भी होती है। अगर हम ये मानेंगे कि जो इनफाइनाइट है वो बॉर्न होता है, तो हमें कहीं ना कहीं उसका डिस्ट्रॉय भी मानना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू एन एग्जामिनर। तो वो कहते हैं कि बाउंडलेस, जो जिस तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाउंडलेस जिसको उन्होंने नाम दिया है, वो अनबॉर्न है, वो कभी पैदा नहीं हुआ और इमॉर्टल है, क्योंकि जब वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो वो कभी मरेगा भी नहीं। एन एग्जामिनर बिकम्स द फर्स्ट नोन फिलोसोफर टू वर्क इन एब्स्ट्रैक्ट रादर देन नेचुरल फिलोसफी। जैसे कि थेल्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोई नेचुरल एलिमेंट को बेस बनाकर अपना फिलोसफिकल थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि थेल्स ने किया था वाटर को बेस बनाकर, तो वो नेचुरल फिलोसफी या नेचुरल फिलोसोफर जो होते हैं उनके अंदर आ सकते हैं। लेकिन एन एग्जामिनर एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे काम किया। एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज नॉट परसीवेबल, विच इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एब्स्ट्रैक्ट है जो एपिरॉन है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। सो द फर्स्ट मेटाफिजिशियन कैन बिफोर द टर्म मेटाफिजिक्स वॉज कॉइंड। तो एनेक्जीमेंडर ही फर्स्ट मेटाफिजिशियन भी कंसिडर किए जाते थे। अकॉर्डिंग टू एन एग्जामिनर, द लाइफ एंड एडेप्टेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऑल द बींग्स हु आर कनेक्टेड विद दीज थ्री हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट। दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ एन एग्जामिनर।
ये सिर्फ इन तीन लाइनों के बारे में नहीं, जो भी हम एप्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं कैसे कैसे उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और कैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिवर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेक्जीमेंडर ने, तो वो उनकी इवोल्यूशनरी थियोरी कही जाती है। द एप्रॉन वॉज नॉट अ गॉड, इट वॉज एनर्जी। ये याद रखना है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि एप्रॉन वॉज द फर्स्ट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, इट डज नॉट मीन कि उसने दुनिया को बनाया है, वो एक एनर्जी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही सेज इट इज नाइदर वाटर नॉर एनी अदर एलिमेंट बट अ सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम देम विच इज इनफाइनाइट एपिरॉन फ्रॉम विच अराइज ऑल द हेवंस एंड द वर्ल्ड विद इन देम। कि उसी से वो इनफाइनाइट जो है उसी से ही वर्ड निकला है, उसी में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि आप देखो जैसे गोल्ड होता है और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो उसी गोल्ड से बने होते हैं, और जब भी वो डिस्ट्रॉय होंगे तो वो उसी गोल्ड में जाके मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह एनेक्सिमेंडर का भी पॉइंट ये है कि असीम से ही सब कुछ निकला है, इनफाइनाइट से ही निकला है और उसी में जाके ही लुप्त हो जाएगा। एनेक्सिमेंडर अंडरस्टूड द बिगिनिंग और द फर्स्ट प्रिंसिपल टू बी द एंडलेस। एप्रॉन इज सब्जेक्ट टू नाइदर ओल्ड एज नॉर डिके, ना ही वो घटता है ना ही वो मतलब ख़त्म होता है ना ही वो कमज़ोर होता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। एन एग्जीमेंडर पोस्टुलेटेड इटर्नल इमोशन अलोंग विद द एप्रॉन एज द ऑरिजिनेटिंग कॉज ऑफ द वर्ड। वो कहते हैं कि इस असीम में एक मोशन होता है, एक इटर्नल इमोशन जो हमेशा रहता है। दिस मोशन कॉज्ड अपोजिट्स। अब देखिए यहाँ पे एक फिलॉसफी आएगी अपोजिट्स की। अकॉर्डिंग टू एन एग्जीमेंडर द यूनिवर्स ऑरिजिनेट इन द सेपरेशन ऑफ और अपोजिट्स। अपोजिट्स लाइक हॉट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई, ये जो अपोजिट्स होते हैं डार्कनेस एंड लाइट। तो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ना, इन अपोजिट के सेपरेशन से कहीं ना कहीं बना हुआ है। इट एम्ब्रेस द अपोजिट ऑफ हॉट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई, एंड डायरेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ थिंग्स एज द वर्ड केम इन टू बींग। और वर्ड ऐसे ही इन अपोजिट के सेपरेशन से ही एग्जिस्टेंस में आता है। डाइंग थिंग्स आर मेयरली रिटर्निंग टू द बाउंडलेस एलिमेंट फ्रॉम विच दे केम। अगर आप किसी मतलब चीज़ें खत्म हो रही हैं या आप डेथ को डिफाइन करना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि वो उसी बाउंडलेस में जाके मिल जा रहे हैं, यानी वो जहाँ से निकले थे वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जा रहे हैं। यही उनकी डेथ है या यही उनका डिके है। एप्रोन इज नाइदर समथिंग हाफ वे बिटवीन एयर एंड वाटर। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ओके, एप्रोन इज नाइदर समथिंग हाफ वे बिटवीन एयर एंड वॉटर और बिटवीन एयर एंड फायर, थिकर देन एयर एंड फायर और मोर सबटल देन वॉटर एंड अर्थ। आप देखो कि एप्रोन ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी एक तत्व के रूप में या फिर कोई मिडिल वे के रूप में आप उसको पहचान सकें, जैसे कि आप ये कह सकें कि ना ही वो एयर है ना ही वो वाटर है कुछ ऐसा, या फिर एयर और फायर के बीच का, या किसी भी तरीके से आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं वो वाटर से सबटल है या वो अर्थ से सबटल है। इस तरह से आप उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी सेंसेस की जो लिमिट है उससे बाहर है। एन एग्जीमेंडर आर्ग्यू दैट वाटर कैन नॉट एम्ब्रेस ऑल ऑफ द अपोजिट फाउंड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन ओनली बी वेट नेवर ड्राई, देयरफॉर वाटर कैन नॉट बी द वन प्राइमरी सब्सटेंस। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, एन एग्जीमेंडर कहते हैं कि अपोजिट के सेपरेशन से यूनिवर्स ऑरिजिनेट होता है, तो और वाटर में वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वाटर से वेट होता है, वो कभी ड्राई नहीं हो सकता। इसलिए हम वाटर को, इसलिए एनेक्सिमेंडर थेल्स अपने मास्टर के कॉन्ट्रेरी थॉट प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं कि वाटर कैन नॉट बी द वन प्राइमरी सब्सटेंस फॉर द यूनिवर्स।
Now, second important conception in Anaximander's philosophy, that is mechanical model of world. Anaximander is sometimes called the father of cosmology for his non-mythological explanation of physical process. अब देखिए वो बताते हैं इस यूनिवर्स को, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं इसको समझा पाऊँ कि एनेक्सिमेंडर इस यूनिवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने. एनेक्सिमेंडर वॉज द फर्स्ट टू कंसीव अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. द अर्थ फ्लोट्स वेरी स्टिल इन द सेंटर ऑफ द इनफाइनाइट, नॉट सपोर्टेड बाय एनीथिंग. वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है ये इनफाइनाइट के सेंटर यानी केंद्र में रहती है, उसे वो कहीं से बंधी नहीं है, वो किसी चीज़ का उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो वहाँ पर है, वो वहाँ पे स्टे किए हुए है. बट कैसे? सो वो आगे भी एक्सप्लेनेशन देते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज सिलेंड्रिकल. आप देखिए थेल्स से कैसे डिफरेंट थॉट यहाँ पे आ रहा है. थेल्स के अकॉर्डिंग टू थेल्स द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था. बट अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर अर्थ इज सिलेंड्रिकल, इट्स डायमीटर बीइंग 3 times इट्स हाइट, द फ्लैट टॉप फॉर्मिंग द इनहैबिटेड वर्ल्ड सराउंडेड बाय अ सर्कुलर ओशनिक मास. अराउंड द सिलेंडर आर रिंग्स ऑफ फायर सराउंडेड बाय मिस्ट. देखिए आप वो कैसे कैसे एलैबोरेट करते हैं, आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं. इवन ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक मॉडल की पिक्चर मिल भी जाएगी. सो तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ फायर का एक लेयर है, जो मिस के आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इमेजिन कर सकते हैं कि एक फायर है इस सिलेंडर राउंड के चारों तरफ, इस अर्थ के चारों तरफ, और वो मिस्ट के थ्रू. एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिस्ट द फायर इज ऑलमोस्ट इनविजिबल. तो जो वो मिस्ट होती है उसकी वजह से फायर नहीं दिखती. दिस थ्योरी अलाउड फॉर द कंसेप्ट दैट सेल्शियल बॉडी कुड पास अंडर और अराउंड इट, क्योंकि उसमें क्या होते हैं वो बीच में होती है, तो इट्स लाइक एक होल बन जाता है और वहाँ से उस होल के थ्रू सेल्शियस बॉडी उसके अंदर भी जा सकती हैं. सो देयर आर हावर होल्स इन दीज रिंग्स अलाउइंग द फायर टू शाइन थ्रू. दिस अलाउ अस टू सी द स्टार्स मून्स एंड द सन. अब देखो अब जो वो होल बन जाता है तो जो वो फायर शाइन करती है, रोशनी आती है उसकी वजह से, तो वो थ्योरी हमें ये बताती है कि वहाँ से आप स्टार्स मून और सन ये देख सकते हैं. एनेक्सिमेंडर आल्सो स्पेकुलेटेड ऑन द प्लुरैलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो क्लेम्ड दैट एन इनफाइनिटी ऑफ द वर्ड्स अपीयर्ड एंड डिसअपीयर्ड. जैसे कि मैंने कहा कि ये वर्ड क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर, उसी से ही ऑरिजिनेट होता है और उसी में जाके ही वो ख़त्म होता है. तो यहाँ पे एक और अच्छा थॉट है एनेक्सिमेंडर का, दैट इज प्लुरैलिटी ऑफ द वर्ड, कि वो किसी एक वर्ड के बारे में नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड बनते बिगड़ते रहते हैं, उसी इनफाइनाइट से निकलते हैं और उसी इनफाइनाइट में जाके वापस मिल जाते हैं. सो द वर्ड इज़ नॉट इटर्नल एंड विल बी डिस्ट्रॉय बैक इन टू द अपरेंट फ्रॉम विच न्यू वर्ड विल बी बॉर्न. और फिर एक वर्ड उसमें जाके ख़त्म हो जाता है और न्यू वर्ड बॉर्न होता है. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. So this is all about the Anaximander's philosophical thought. In the next video, we will discuss about the philosophical thought of Anaximenes. Thank you so much.